Hello children, how are you? Hope you all are good and fine. I am Mrs. Mehjabeen Akhtar, assistant teacher from Government Primary School, Mowa, Raipur, Chhattisgarh. Today we will study about lesson 22. Topic is I see from the English textbook of class 2. From this lesson, students will come to know about shapes and colors of different things they see. देखिए बच्चों, lesson 22 इसका टॉपिक है I see, यानी मैं देखता हूँ, है ना? चलिए इस पोयम को हम गाते हैं. Let's sing the poem. I see the sun, big round and yellow. When I wake up, I see the moon, big and white. When I go to bed, I see the sun, big round and yellow. When I wake up, I see the moon, big and white. When I go to bed. Did you enjoy the poem? आपको मजा आया? Very good. देखिए, अब हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो सन को यानी सूरज को देखकर क्या सोच रहा है. जानते हैं आप सूरज किसको कहते हैं? सन यानी सूरज, एस यू एन सूरज, है ना? आई सी मीन्स मैं देखता हूँ. द सन, मैं सूरज को देखता हूँ. बिग, बिग यानी बड़ा. राउंड यानी गोल. एंड येलो, आप जानते हैं येलो पीला. तो इसका मतलब है आई सी द सन, मैं सूरज को देखता हूँ. वो कैसा है? बड़ा, गोल और पीले रंग का है. कब देखता हूँ मैं? When I wake up, जब मैं सोकर उठता हूँ. अब देखिए, यहाँ मून के बारे में बताया जा रहा है. M O O N, मून. मून means चांद, चंद्रमा. आप इसको चंदा मामा भी कहते हैं, है ना? तो I see the moon, मैं चांद को देखता हूँ. Big, बड़ा. And white, white जानते हैं आप किसे कहते हैं? बताइए. White means सफ़ेद, है ना? तो बड़ा और सफ़ेद. कब? When I go to bed, जब मैं सोने जाता हूँ, है ना? देखिए बच्चा जो है चित्र में दिखाई दे रहा है, बच्चा सो रहा है ना? और उसकी खिड़की के बाहर क्या दिखाई दे रहा है? Moon, है ना? चंदा मामा. बच्चों, आपने पोयम को गाया और उसके बारे में जाना भी. बच्चा क्या क्या देखता है? सूरज और चांद को देखता है. अब हम एक्सरसाइज वर्क करते हैं. रिपीट द फॉलोइंग बिलो. आपको यहाँ कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं. राइमिंग वर्ड्स मीन्स होता है समान ध्वनि वाले शब्द या एक जैसी आवाज वाले शब्द. लेट्स स्टार्ट. सन, रन, फन. सन, रन, फन. नेक्स्ट, राउंड, साउंड, ग्राउंड. राउंड, साउंड, ग्राउंड. येलो, फेलो, हेलो. येलो, फेलो, हेलो. वेक, टेक, मेक. वेक, टेक, मेक. नेक्स्ट, वाइट, लाइट, राइट. वाइट, लाइट, राइट. मून, सून, जून. मून, सून, जून. लास्ट इज वैन, हैन, देन. वैन, हैन, देन. नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका है, अगला एक्सरसाइज वर्क. मैच द
पिक्चर्स विद देयर शेप्स एंड कलर। देखिए लेफ्ट साइड में कुछ पिक्चर्स हैं और राइट साइड में उनके जो सही शब्द हैं उनसे आपको मिलाना है। तो देखिए पिक्चर्स किसकी है, फर्स्ट पिक्चर इज ब्लैक बोर्ड की है ना। उसके नीचे है मून चांद और उसके नीचे है ट्री पेड़ और लास्ट में है सन यानी सूरज। और यहाँ लिखा क्या क्या है देख लीजिए, ग्रीन एंड टॉल हरा और ऊंचा है ना। उसके नीचे लिखा है येलो एंड राउंड पीला और गोल। फिर ब्लैक एंड फ्लैट काला और सपाट है ना। लास्ट में लिखा हुआ है व्हाइट एंड राउंड सफेद और गोल। तो आपको क्या करना है, पहला हम देखते हैं ब्लैक बोर्ड जो है वो किससे मैच करेगा, यहाँ बताइए। करेक्ट, ब्लैक एंड फ्लैट आप उसको मिलाएंगे। फिर मून को किससे मिलाएंगे बताइए, राइट व्हाइट एंड राउंड सफेद और गोल। और उसके नीचे है ट्री, तो ट्री को हम किससे मिलाएंगे बताइए, आप सोचिए और बताइए। राइट ग्रीन एंड टॉल हरा और ऊंचा। लास्ट में सन का दिया हुआ है ना, सन का पिक्चर है तो सन को हम किससे मिलाएंगे, वेरी गुड येलो एंड राउंड पीला और गोल। लास्ट में आपके लिए यहाँ होमवर्क दिया हुआ है, राइट इन योर नोटबुक व्हाट ऑल थिंग्स यू सी डेली डिस्क्राइब अबाउट देयर शेप्स एंड कलर्स। आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में उन चीज़ों के नाम लिखना है जो आप रोज देखते हैं है ना, और उनको और उनके आकार और उनके कलर भी आपको लिखना है। ठीक है, सी यू अगेन, थैंक यू।